नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु सम्मल। आज 28 फरवरी का दिन है और आज नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। आपको बता दें, दुनिया के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के सम्मान और स्मृति में ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो आज जेजेएन की टीम निकली है हल्द्वानी के विभिन्न विभिन्न स्कूलों में भ्रमण करने और वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल से जानेगी कि क्या तैयारियाँ हैं स्कूल की और क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, और आज के युग में नेशनल साइंस डे यानी कि साइंस का कितना महत्व है और उनका क्या कहना है, उनके विचार जानेंगे इस बारे में। तो आइए आपको लेके चलते हैं हल्द्वानी के स्कूलों में और दिखाते हैं आपको वहाँ की तस्वीरें कि क्या कहना है टीचर्स का नेशनल साइंस डे के बारे में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी स्थित इंस्पिरेशन स्कूल पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पिरेशन स्कूल के साइंस टीचर मनमोहन जोशी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। नमस्कार सर, आज 28 फरवरी है और आज नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? देखिए, 28 फरवरी सन 1928 को मशहूर भारतीय भौतिक शास्त्री सर सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट आविष्कार करने के उपलक्ष्य में 1930 में फिर उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया और 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट का आविष्कार किया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का स्कैटर होना, उसके ऊपर उन्होंने काम किया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। सर, आज की इस आधुनिक दौर में साइंस का कितना महत्व है? देखिए, साइंस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमें तर्कसंगत सोचने के लिए विवश करता है। हम चीज़ों को रटते नहीं, हम उनको मान नहीं लेते, हम उनको प्रयोग करके ही सिद्धांतों को आपके समक्ष रखते हैं। और जितनी भी आप देखें, जितनी भी इन्वेंशंस, डिस्कवरी, आज जो लोकोमोटिव इंजन है, एरोप्लेन है, ये सब साइंस के ही देन है। तो सर, कहीं ना कहीं जैसे कि अभी वॉर चल रहा है रूस और यूक्रेन का, और रूस कह रहा है कि अगर मेरी और यूक्रेन की लड़ाई में किसी और देश ने दखल दिया तो मैं परमाणु बम छोड़ सकता हूँ, और परमाणु बम जैसे कि साइंस का ही एक आविष्कार है, तो कितना भयंकर साबित हो सकता है? देखिए, परमाणु बम की विभीषिका हम लोग जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के जब ये विस्फोट हुआ था वो देख चुके हैं। ये मानव जाति के लिए, मैं समझता हूँ कि बम और वॉर में ये विज्ञान का ड्रॉबैक है, मतलब ये इसकी डीमेरिट है। क्योंकि आप देखिए, जब एक तरफ हम लोग अभी कोविड की विभीषिका से निकले हैं और फिर ये अगर परमाणु युद्ध होगा तो मैं समझता हूँ ये रशिया और यूक्रेन तक सीमित न रह के आगे भी बढ़ सकता है, और परमाणु बम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इस पे जो थिंक टैंक्स हैं, जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह से परमाणु बम का प्रयोग और उसकी विभीषिका को हम लोग पहले देख चुके हैं। मानव जाति के लिए हमें अच्छी चीज़ें सोचनी, इस तरह के अगर हम लोग नेगेटिव और जिससे कि पूरी मानव जाति को नुकसान होगा, तो ये मैं समझता हूँ कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप देखिए, युद्ध हो जाता है लेकिन युद्ध की विभीषिका मानव जाति कई सदियों तक भुगतती है। परमाणु बम आपको पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है और इसके जो रेडिएशंस हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, आप देखिए जो नई जनरेशन होती है, जेनेटिक डिफेक्ट्स उनमें हो जाते हैं, और पूरा एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग, और आप समझ किए कि पूरी मानव जाति के लिए ये अनिष्टकारी होगा। तो ये थोड़ा विज्ञान का ये ड्रॉबैक है, ये उसकी कमी है जिस पे लोगों को मंथन करना चाहिए कि ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इंस्पिरेशन स्कूल के साइंस टीचर मनमोहन जोशी जी। अभी हम और भी स्कूलों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ के टीचरों का क्या कहना है आज नेशनल साइंस डे के लिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बीर शिवा स्कूल पर। आज नेशनल साइंस डे है तो इस उपलक्ष्य में हम पहुँचे हैं बीर शिवा स्कूल पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के टीचर्स। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। सर, आपका नाम? गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ HS बब्बा, आई एम PGD केमिस्ट्री हियर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन बीर शिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से डैट साइंस डे, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड टू रिमार्क सीवी रमन इफेक्ट, मीन्स द रमन इफेक्ट, एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन साइंटिस्ट एक्टिविटी। थैंक यू। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया कि रमन इफेक्ट के बारे में, तो रमन इफेक्ट के बारे में बताइए आप हमारे दर्शकों को। आप सभी को गुड आफ्टरनून, मैं शोभा नेवलिया, PGT फिजिक्स इन बीर शिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी। सर, एक्चुअली हर साल हमारे देश में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका जो मेन पर्पस था कि सीवी रमन इंडियन फिजिसिस्ट थे, 1928 में उन्होंने स्पेक्ट्रोग्राफी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना दिया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था।
तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सर, विज्ञान का हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। कोरोना काल में कोरोना वायरस, इससे लड़ने की ताकत भी हमको विज्ञान ने ही दी थी, और इसका कितना बड़ा नुकसान सारी दुनिया ने सहा है इससे सभी परिचित हैं। इसी टाइम पे विद्यार्थियों को पढ़ाई में कहीं किसी तरीके का नुकसान ना हो, इसका फ़ायदा भी हमें टेक्नोलॉजी ने ही दिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर, सर जैसे मैम ने बात की परमाणु बम की, और अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया में वॉर चल रहा है, और रूस बोल रहा है कि यूक्रेन से अगर किसी और देशों ने दखल दिया तो वो परमाणु बम छोड़ देगा, तो इसका कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है? इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, और पूरी दुनिया एक नए सिनेरियो में आ जाएगी, क्योंकि अगर एक ने भी इस तरीके की गलती की तो उसका भुगतना पूरी दुनिया को ही पड़ेगा, और ये एक विनाशकारी चीज़ें हैं जो कहीं भी एक सही रास्ते पे नहीं ले जा सकती। तो आप साइंस का मिसयूज़ कह सकते हैं इसे, कि एक को डराने के लिए साइंस इस्तेमाल की जाती है, किसी को हेल्प करने के लिए की जाती है। तो दोनों अपनी जगह काम कर रहे हैं, इंडिया अपनी जगह काम कर रहा है और रेड क्रॉस अपनी जगह काम कर रहा है, दोनों ही साइंस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोटिव अलग अलग है। तो मेरा कहना यही है कि साइंस डे का मतलब है कि आप में इंटरेस्ट लीजिए साइंस में, और हम पॉजिटिवली अगर इसे एफर्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी मदद कर पाएंगे, अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। तो देखा आपने, हम इस वक्त मौजूद थे वीर शिवा स्कूल पे, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के टीचर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही टीचर ने आपको बताया कि नेशनल साइंस डे का क्या महत्व है आज के टाइम पे, और इन्होंने संदेश दिया है बच्चों के लिए। तो अभी हम और स्कूलों में जाएंगे और वहाँ के टीचरों से आपकी मुलाकात करवाएंगे कि उनका क्या कहना है आज नेशनल साइंस डे के बारे में। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी के गुरु तेग बहादुर स्कूल पे, और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के साइंस टीचर। तो आइए इनसे जानते हैं कि नेशनल साइंस डे के बारे में क्या कहना है इनका। मैम, आज नेशनल साइंस डे है जी, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों मनाया जाता है। ओके, नेशनल साइंस डे हर साल हम 28 फेब को मनाते हैं। ये डॉक्टर सी वी रमन थे, फिजिक्स के टीचर थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की, इसी वजह से हम इसे हर साल मनाते हैं। और नेशनल साइंस डे हमें इसलिए भी मनाना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि टेक्नोलॉजी का टाइम है और आज पुरानी चीज़ों को, सुपरस्टिशियस चीज़ें सब भूल चुके हैं, तो इसी वजह से आज के टाइम पर बच्चों को एटलीस्ट क्लास 10 तक की जो साइंस है आप देखते हैं एनसीईआरटी, उसमें मोस्टली यही टॉपिक्स है जो हमारे डेली लाइफ के हैं। तो मुझे लगता है कि जो नेशनल साइंस डे है इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसी वजह से हम इसको आगे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो भी जाने कि सी वी रमन ने कितने अपनी डिस्कवरीज़ करी हैं, उसके लिए इन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला था इन ईयर 1930। तो मैं चाहती हूँ कि आगे के जो बच्चे हैं हमारे वो भी पार्टिसिपेट करें साइंस में और कुछ ना कुछ नई डिस्कवरीज़ करें। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साइंस का आज के दुनिया में कितना महत्व है? साइंस का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते, बल्कि मुझे तो लगता है कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही साइंस है। चाहे हम दवाइयों की बात करें, चाहे हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की बात करें, एवरीथिंग इज़ साइंस। तो बच्चों को इसलिए साइंस की स्टडीज़ पर, साइंस की पढ़ाई पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, बचपन से ही वो साइंस की इम्पोर्टेंस को समझें और अपनी ज़िंदगी में साइंस के जो आस्पेक्ट हैं उनको समझ कर अप्लाई करें। जैसे कि बच्चे जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ जब लेते हैं तो उन बच्चों को दवाइयों के नाम पढ़ने, उसका क्या कंपोजिशन है, आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे जो होते हैं वो जो साइंस पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं कि दवाइयाँ लेकर सिर्फ खाने लगे, वो उसका कंपोजिशन भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और उसका मुझे लगता है कि साइंस के बिना आपकी लाइफ कुछ नहीं है, अगर बच्चे को साइंस नहीं आती है तो वो अपनी लाइफ भी अच्छे से नहीं जी सकता। तो इसलिए आजकल के टाइम में साइंस की स्टडीज़ पर इसलिए ज़ोर दिया जाता है। साइंस के आज के टाइम पे दोनों एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो ये हैं कि आपको अपनी बॉडी में, जैसे मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ उस बेसिस में मैं कहूँगी कि अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो उसमें केमिकल्स का भी यूज़ है, तो आप देखिए उसमें मैम ड्रग्स भी पढ़ा रहे हैं, एडिक्शन भी पढ़ाते हैं, तो उससे हम उनको कह सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी हो रही है, क्योंकि आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रग्स के लिए एडिक्टेड हो चुके हैं आज के टाइम पर। बट साइंस में हम उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ही बताते हैं, लेकिन बच्चा अगर चाहे उसको अप्लाई करेगा तो उसके लिए वो पॉजिटिव इफेक्ट है। बट अगर बच्चा उस चीज़ को नेगेटिवली ले जाता है और वो सोचता है कि नहीं मैं उसे ट्राई करूं, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एस्पेक्ट में जाता है। तो मेरे हिसाब से कि साइंस के दोनों एस्पेक्ट है, और वैसे तो सभी चीज़ के दोनों एस्पेक्ट होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ द थिंग।
Okay. मैम, जैसे मैम ने बात की, ड्रग्स की बात आ गई, और आज हम देख रहे हैं कि रोज़ाना ऐसे कितने युवा हैं जिनके बारे में रोज़ न्यूज़पेपर में आता है और अभी पकड़े भी गए हैं, तो इस ड्रग्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बच्चों को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जो ड्रग्स है, और ये किसके थ्रू हो सकता है? साइंस स्टडी के थ्रू। अगर बचपन से ही बच्चों को ये जो बच्चे नशीली दुनिया में चले जाते हैं, इसके प्रति अवेयर किया जाए और उनको आस्पेक्ट बताया जाए कि भाई ड्रग्स लेने से और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से उनकी उनकी बॉडी में क्या बैड इफ़ेक्ट पड़ेंगे, इन सारी चीज़ों को अगर बचपन से ही सिखाया जाए बच्चों को, और ये पॉसिबल है, हम बचपन से उनको साइंस पढ़ाएं। मैम, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाए, लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो कॉन्वेंट स्कूल के भी होते हैं, वो बच्चे हैं, लेकिन क्या उनको पढ़ाया भी जाता है कि ड्रग्स के बारे में, लेकिन उसके बाद भी ये कम नहीं हो रहे, केसेस बढ़ते रह रहे हैं, कि उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, केसेस बढ़ने का तो रीज़न ये है कि कई बार बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी, मतलब उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि वो सुन करके अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, या अगर उन्होंने कहीं सुना है तो तब वो उसको यूज़ करने के लिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर, तो एक ये रीज़न है। और बाकी क्या है कि जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, पेरेंट्स भी मैं देखती हूँ कि मोस्टली वर्किंग होते हैं तो वो भी अपने बच्चों को थोड़ा अलोन छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर बच्चा अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाता है कुछ चीज़ें तो वो फ्रेंड्स के क्लोज हो जाता है, तो वहाँ से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इवोक होती है। और अगर कोई बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी भी है और वो लोनली भी है तो वो ज़रूर यूज़ करता है, मैंने देखा है, मोस्टली देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं इन चीज़ों से, लेकिन अगर आप उसको अवेयर करें, अपने घर का माहौल देखें, उनके ऊपर सोशल प्रेशर ना हो, तो वो शायद इस चीज़ से दूर रह सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे गुरु तेग बहादुर के टीचर्स, जिन्होंने अपने विचार रखे आज नेशनल साइंस डे के बारे में। तो अभी यहाँ पर गुरु तेग बहादुर के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, आइए हम चलते हैं और उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि उनकी क्या राय है नेशनल साइंस डे के बारे में। तो आइए लेके चलते हैं आपको यहाँ के प्रिंसिपल के पास। सर, साइंस के दो एस्पेक्ट आते हैं मेरे सामने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साइंस का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू तो है ही, साइंस का ही नहीं बल्कि जीवन के हर उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वो है, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव से कोई भी चीज़ नहीं मानी जा सकती है, लेकिन साइंस के जो नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव के मुकाबले बहुत ही कम है। अगर साइंस का कोई नेगेटिव, कोई मतलब उसका हमें नुकसान हो रहा है, तो वो हमारे उसको प्रयोग करने में हो रहा है, यानी कि हमारी उसको प्रयोग करने के पीछे भावना क्या है उसमें उसका दुरुपयोग हो सकता है, वरना साइंस के सारे जो है जितने भी देखे जाएं तो साइंस से एक तरीके से समाज को वरदान ही माना जाएगा। अगर उसमें कोई कहीं पर अगर नुकसान है तो वो मनुष्य की सोच हो जाती है कि वो उसको कैसे नुकसान कर रहा है, उस चीज़ के से कैसे नुकसान ले रहा है। जैसे कि आप एक मतलब उसमें देखा जाए तो अगर आप न्यूक्लियर आजकल एक ये चला भी है, वॉर काफ़ी वो हो रहा है, तो वॉर में ऐसा है कि जैसे इसका ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम यूज जो है न्यूक्लियर पावर का कर सकता है कोई, तो न्यूक्लियर पावर का न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बहुत ज़्यादा तहस नहस भी कर सकते हैं। उसी न्यूक्लियर बॉम्ब से हम कहीं ज़्यादा एनर्जी यूज़ करके उस एनर्जी का यूज अपने लाइट एनर्जी में कर सकते हैं, अपने दूसरे कामों में कर सकते हैं, तो उसका जो यूज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर उसका वो यूज़ देखा जाए तो वो डिजास्ट्रस है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई साइंस के यूज होने से आदमियों का रोज़गार कम हो जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर के यूज होने से बहुत से जो मैनुअल वर्क हैं वो कम हो गया, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम साइंस के इनोवेशंस देखें तो कुछ हम नया इनोवेट कर सकते हैं, कुछ तरीके बदल सकते हैं, हर चीज़ के लिए नया नया वो कर सकते हैं, यानी कि जितना इनोवेशन करेंगे, जितना उसको साइंटिफिक यूज करेंगे, उतना हम आत्मनिर्भर भी होते जाएंगे। तो इस वक्त हम मौजूद थे हल्द्वानी के गुरु तेग बहादुर स्कूल में, जहां पर हमने आज नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में वहां के टीचर्स और वहां के प्रिंसिपल से बात की, और हम आपको और भी स्कूलों पे लेके गए जहां हमने टीचर्स और उनके प्रिंसिपल्स के विचार जाने कि आज नेशनल साइंस डे पे उनका क्या कहना है और आज क्या मैसेज देंगे वो आज के यूथ को। तो ऐसी ही खबर आपके लिए जे लाता रहता है। मैं था आपके साथ हिमांशु सम्मल, और वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में मेरे साथ मेरे सहयोगी अफसार बक्स। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जे न्यूज़, और हमारे यूट्यूब चैनल जे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।